हेलो गाइस, काफी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। आपका फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो यकीनन आपको हैरान ज़रूर कर देगी। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए चाहिए होगी एक बोट, तो मैं एक बोट ले लेता हूँ। मेरे पास पहले से है या नहीं ये मुझे देखना होगा। मुझे लगता है बाहर मैंने कहीं अपनी बोट को ज़रूर रखा होगा। तो चल कर देखते हैं कि बोट मेरी यहाँ पर, ये जो बना हुआ है हमारा चेस्ट, इसमें तो नहीं रखी है। बोट वैसे मैं बाहर रखता हूँ पर यहाँ भी नहीं है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं, बना लेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमें मिल जाए तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, पर मुझे लग रहा है बनाना ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी क्राफ्टिंग टेबल है और अपनी क्राफ्टिंग टेबल में मुझे लगाना था लकड़ी जिससे मैं बना लेता बोट, पर यहाँ पर लकड़ी के कोई इंतज़ाम नहीं है। पर यहाँ पर शिट, मुझे घर के अंदर ही जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं ला पाऊंगा लकड़ी को और उसके बाद फिर हम बोट को बनाएंगे। सो गाइज, हमने अपनी बोट ले ली। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक माइनक्राफ्ट के काफ़ी एडवेंचर भरे सफ़र पर जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले इसके लिए मुझे काफ़ी तेज़ भागते हुए चलना है और हमारे प्लेयर की हेल्थ भी कम है थोड़ी सी, इसीलिए मैं अपने प्लेयर का पेट थोड़ा भर लेता हूँ और पेट भरते हुए हम लोग चलने वाले हैं। ये जो हमने बनाया था यहाँ पर अपना एक फार्म, उसे मैंने तोड़ दिया है। मुझे अभी इसे पूरा तोड़ना है और उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से किसी फार्म को बनाऊंगा। मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया है। तो इसके चक्कर में आप टेंशन इसकी मत लीजिएगा और सीधा चलते हैं, यहीं से अपनी बोट को शुरू कर देते हैं। चल बेटा, बोट पर बैठ जा और चल दे सीधे। यहाँ पर मेरी बोट डूब ना जाए, यहाँ पर पानी की फ्लो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। शिट, यही हुआ जिसका डर था, बोट हमारी डूब गई। आ जा बाहर, आ जा। गाइज, इसके लिए मुझे अपने घर से, जो मेरा घर का मेन गेट बना हुआ है, मतलब मेरे आइलैंड का गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसी की तरफ से हम लोग को सीधा चलना है। थोड़ी दूरी तक आपको चलना होगा। यहाँ पर चलने के बाद जो आपको मिलेगा वो वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा अमेज कर सकता है, मतलब कि दुश्मनों के लिए यह बहुत ही ख़तरनाक जगह मैंने बनाई है, अपने लिए काफ़ी मज़ेदार। मैं यहाँ पर रुक कर अपने प्लेयर को इंजॉय करवा सकता हूँ और अगर हम लोग किसी मिशन पर हों तो उस मिशन को भी कम्प्लीट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे मेरी उस जगह पर। मुझे इन सब चीज़ों को बनाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, इसीलिए मैंने सोचा कि बनाते हैं इसे। कुछ खास काम की नहीं होती, पर ये जो ग्राउंड वगैरह होते हैं इन सबको हम लोग मार सकते हैं इसके अंदर से। सो गाइज, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको एक, ये दूर से एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, बस हमें इसी बिल्डिंग की तरफ चलना है। यही हमारा शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन सीक्रेट बेस है जो कि वाटर के अंदर है। और वाटर के अंदर ये होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वाटर के अंदर सीक्रेट बेस बनाया था पर वो उतना अमेजिंग नहीं था जितना कि ये है। ये हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। तो सबसे पहले आपको अपनी बोट पार्क कर देनी है। यहाँ पर उसकी पार्किंग का भी इंतज़ाम मैंने बनाया छोटा मोटा, तो यहाँ पर हमारी बोट आराम से पार्क हो जाएगी और उसके बाद आप इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी में बना हुआ है, इसीलिए पानी के बराबर हम लोग अगर आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर बनाया था ऊँचा। अब आपको सीढ़ियों का यूज़ करके ऊपर चढ़ना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं, रात हो चुकी है फिलहाल के लिए, पर रात से हमें क्या मतलब, हमारा घर एक यहाँ पर तो बना ही हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और इन फोल्डिंग्स का यूज़ करते हुए नीचे की तरफ चलते जाना है। और नीचे की तरफ जब आप आ जाएंगे तो अब हम लोग पानी के नीचे गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, ये जिन्हें फोल्डिंग कहते हैं, और इससे मैं बहुत ज़्यादा नीचे चलते हुए चलाऊँगा। और यहाँ पर जब आप नीचे आ जाएंगे एकदम, तो आपको एक तरफ का, हाँ, ये ट्रैप डोर बना हुआ है, इस ट्रैप डोर को ओपन करना है और उसके बाद आपको मिल जाएगी सीढ़ी, इसे बंद कर देना है। और गाइस, अब आप देख सकते हैं हम लोग समुद्र के अंदर पानी के बीचों बीच में अपने शानदार घर में हैं। आप देख सकते हैं ड्रोन वगैरह यहीं पर टहल रहे हैं। हमारा जो सी का एरिया है वो एकदम ऊपर है पर यहाँ पर ज़रा भी पानी नहीं है। यहाँ पर पानी को निकालने में इतनी मुसीबत हो गई थी पर मैंने फाइनली उसे किसी न किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर मैंने घास लगाई है, उसमें पेड़ भी लगाए हैं, उम्मीद करते हैं जल्द बड़े हो जाएंगे। थोड़े बहुत बड़े होंगे तो फिर मैं इन्हें थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, पर फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इसका टूर मैं दे देता हूँ। ये मेरे लिए रहने की भी एक जगह, जैसे कि रात हो गई तो मैं अभी आराम कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसके कुछ और फीचर्स हैं शानदार, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर तो हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। एक इंडरमैन को मैंने मारा था, उसका ये बाहर मारा था उसको, तो उसका ये है। और बाकी का अपना जो भी काम हमें करना है यहाँ पर हम आराम से कर सकते हैं। एक छोटा मोटा घर माइनक्राफ्ट में जैसे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स में बना हुआ था ना,
एक गिलहरी का आपने शायद देखा होगा, वो पानी के अंदर रहती थी अपना घर बनाकर, सेम उसी तरीके से। अब ये आपको बाहर निकलने के लिए पानी अंदर ना पाए इसलिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसे आपको पहले एक गेट खोलना है और इसे बंद करना है, इन केस अगर कभी पानी आने लगे तो हमारा घर सेफ रहेगा। अब हम घर के बाहर आ चुके हैं पर हमारा गेट अभी भी खुला हुआ है। इसके बाद हम ऐसे इसे खोल सकते हैं और ये झरना टाइप से है इसलिए पानी इधर अंदर नहीं आ रहा है। अब हम इसे बंद करके ये देखिए गाइस, हम पानी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी सांस भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और गाइस हमें थोड़ा तेज़ी से ऊपर जाना होगा वरना मेरे प्लेयर की वार्ड लग जाएगी। और ये देखिए हम ऊपर आ गए, यहाँ पर ये हमारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, नीचे जाने का पूरा इंतज़ाम है, पर मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा, इधर ही से नीचे जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाती है ये जो हमारे ग्लोविंग वाले लगे हुए हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है, तो कुछ हाँ ड्रोन भैया तुम आ जाओ, मेरा ही एरिया है पहले, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा अंदर जाकर सांस लेनी होगी। अब आओ, तो इसीलिए हम इन ज़ॉम्बीज से बहुत बुरा बदला ले सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, इन्हीं के इलाके में आकर हम इन्हें मार सकते हैं। ले बेटा, तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है ना, आज ले लो। तो गाइस ये है हमारा ज़बरदस्त घर, थोड़ा सा आपको इसमें ऑक्सीजन लेवल को अपने बचा कर रखना है। एक और ड्रोन आ गया है, ड्रोन आ गया एक और, तो इसे भी हम मार सकते हैं बहुत आराम से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने लगी। पर फिलहाल के लिए मैं इसे मारने के मूड में नहीं हूँ। हम घर के अंदर आ गए और घर के अंदर तो ये लोग आ नहीं सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा सीक्रेट बेस हमारा छोटा सा, ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग, मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पर कर डाली है ताकि ज़रा भी अंधेरा हमें ना लगे। और नीचे तो एकदम उजाले वाला ही माहौल बना हुआ है, पर इन रियलिटी समुद्र के इतने नीचे काफ़ी अंधेरा होता है, पर यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें लगा दी हैं कि यहाँ पर उजाला हो गया है। अब आपको ऊपर जाना है तो आपको सिंपली अपनी सीढ़ी का यूज़ करना है, इसे करना है ओपन, और ट्रैपडोर को यहाँ से बंद करके हम लोग आराम से ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। और ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो जब हम लोग आए थे तो रात हो गई थी इसीलिए हमें व्यू उतना ख़ास नहीं मिल पाया था, पर अब चूँकि हम लोग एकदम टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं तो गाइस आप व्यू देख सकते हैं। ये ब्लॉक यहाँ पर भी मैंने ही लगाया था ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो सीक्रेट बेस है वो इस तरफ बना हुआ है अगर हम कभी ना जान पाए तो। और सिंपली हमें अपनी सीढ़ी का यूज़ करके नीचे उतरना है। ओह शिट, मैं थोड़ा जल्दी में उतर गया। और आपको मिल जाएगी अपनी बोट, बोट का यूज़ करें और आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो इस माइनक्राफ्ट के हमारे एक कमाल के सीक्रेट वाटर बेस की आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल भी रखें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते हैं, ऐसी काफ़ी शानदार माइनक्राफ्ट वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। माइनक्राफ्ट के अलावा हम कभी कभी फ्री फायर, GTA 5 और कोई भी गेम जो आप लोगों को पसंद हो और जो मुझे पसंद हो खेल लेते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।